प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में बिजली का संकट मंडरा रहा है। कोयले की लगातार हो रही कमी के कारण राजस्थान में कई पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। बिजली की डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर होने के कारण से गांव और शहरों में लगातार कटौती जारी है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है देश में कोयला भरपूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ही, अगर कोयला भरपूर है तो फिर बिजली संकट क्यों है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां कोयले की कमी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्रीय संकट बताया और कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में ये स्पष्टीकरण दिया था कि राजस्थान में कोयले की कोई किल्लत नहीं है, बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेंगे। सरकार का यह बयान अब मुख्यमंत्री की कथनी और करनी की पोल खोलता है। आखिर क्या है पूरा मामला और राजस्थान में बिजली संकट को लेकर सतीश पूनिया ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। को बता दे राजस्थान में बिजली कटौती को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिजली की कमी को देखते हुए हाल ही में प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों के अनुसार राजधानी सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिलों में 2 घंटे, कस्बों में 3 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश व देश में जारी बिजली संकट का जिक्र करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है और इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दे। अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखे। अपनी प्राथमिकता तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। सीएम गहलोत ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है, क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। वहीं अब राजस्थान में बिजली कटौती व किल्लत पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा, राजस्थान के बिजली संकट और भारतीय जनता पार्टी के बिजली घरों पर प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री का वक्तव्य। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में बिजली संकट हुआ और उस बिजली संकट की प्रबंधन की विफलता वो केंद्र की और पार्टी के माथे बनना चाहते हैं। राजस्थान में बिजली का मिसमैनेजमेंट ये जाहिर सी बात है। कोयले की कमी की बात अक्सर की जाती है, लेकिन 24 अप्रैल का मुख्यमंत्री जी के डीआईपीआर का पत्र जिसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया कि राजस्थान में कोयले की कोई किल्लत नहीं है और हम बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेंगे, लेकिन आज उनकी पोल खुलती है। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि राजस्थान पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति के मामले में पीड़ित था, अब ये पराकाष्ठा है। वो देश की बात करते हैं, लेकिन हम प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश की जनता, प्रदेश का विद्यार्थी परीक्षा के इस मौके पर बिजली की कमी से पीड़ित है, आवाम पीड़ित है। इस भीषण गर्मी के मौके पर लोक कल्याण का दावा करने वाली, निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने वाली, जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने वाली सरकार के मुखिया, उनको मुझे लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा है इस भीषण गर्मी में राजस्थान के लोगों को निजात दिलाने की। केवल सियासी बातों के अलावा मुझे लगता है धरातल पर बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है, उनको शर्म आनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2 वर्ष का समय कोरोना की मेहरबानी से निकल गया, जब लोग सड़कों पर नहीं थे,
अब सड़कों पर निकले हैं तो उनको एतराज है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से सियासी गैम्बलिंग करते हैं उसी का नतीजा है राजस्थान में बिजली का पिछले 3 वर्षों से कुप्रबंध है। इसी कुप्रबंध के कारण राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हुआ है। इस बिजली संकट का कोई जिम्मेदार है तो स्वयं अशोक गहलोत व उनकी सरकार है। केंद्र को कोसने के अलावा धरातल पर मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है। केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको राज्य में प्राथमिकता से मुख्यमंत्री को जमीनी तौर पर लागू करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बेरोजगारी से युवा पीड़ित थे और किसान कर्ज माफी के छलावे से किसान प्रताड़ित थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।